उनका भांजे का समय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी तो गर्मी बहुत हो रही है और ये टाइम है दोपहर का, 11 बज रहे हैं और मैंने सर धुला है। तो हमें जाना है पूजा में, इसलिए मैंने सर धुला है और इसीलिए मैंने अभी 12 नहीं बजे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से है इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोला। तो आज हमारे परिवार में पूजा है, तो हम लोग पूजा में सब लोग जाएंगे, पर मैं वहाँ का पता नहीं इसमें कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर मैं यहाँ से अभी निकलूँगी, हम सब लोग जाएंगे। अब देखते हैं, अभी हाथी तो हमारा स्कूल गया है और हम लोग खाना पीना अभी हुआ नहीं है, सिर्फ नाश्ता हुआ है। मेरे लिए लड्डू लाया और मैंने नहा तो सुबह ही लिया, सर नहीं धुला तो अभी सर धुली हूँ जाके। तो चलिए अभी चूड़ी वूड़ी पहनना बाकी है, पूरा रेडी होना और गर्मी तो बहुत है, तैयार क्या होना, बस हल्का फुल्का तैयारी होगी। और ये अभी मैं जा रही हूँ पैर में महावर लगाने रंग, तो मैंने चूड़ी भी निकाल लिया है अभी। तो ये मैं चूड़ियाँ हरी हरी चूड़ियाँ पहनूंगी, सावन में हरी चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं। देखिए और एक लाल चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, चूड़ी कोई भी कलर पहनी है पर एक लाल जरूर पहननी चाहिए। तो अभी हम जाने की तैयारी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे पैर में महावर लगा रही हूँ और पूजा में जाना है तो महावर पैर में लगा के अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है, तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो बस चलिए आप लोग भी आइए हमारे साथ पूजा में। तो हम लोग वहाँ पूजा में गए थे, आ भी गए और हार्दिक पहले ही आ गया, पर ये खाना कैसे खा रहा है हार्दिक। वही 2:30 बज रहे, ये स्कूल से आके खाना खा रहा है। और मैं ये पीने जा रही हूँ, हाँ थी ना सब लोग। ये वहाँ का प्रसाद है पूजा का, तो आप लोग भी खा लीजिए, सत्यनारायण भगवान पूजा का प्रसाद है। सियाई यहीं पे लेट गई, मेरे मिट्टू लोग भी हैं, बस अच्छे पापा भुट्टा दे रहे हैं तो वो लोग उछल कूद कर रहे हैं कि हाँ मुझे भुट्टा खाना है। तो मैं घर से निकली तो मैंने सूट किया थोड़ा से, क्या पता कैसे लगता है फ़ोन ही नहीं, मतलब कि टच हुआ था, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अभी आके देखी तो कुछ था ही नहीं, दिमाग ख़राब हो गया। तो अभी मैं नीचे ही यहीं ज़मीन में लेट गई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, देखते मैं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, सच पापा दे दो खाना। अभी 3:30 का टाइम है तो खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा आराम करेंगे और फिर शाम को मिलते हैं। तो अभी रात हो गई है, 8 बज रहे हैं और साक्षी भी पार्लर से आ गई है। तो हमने बताया था कि पूजा है बड़ी सास के घर पे और बड़ी सास की पोती का बर्थडे है, तो चलिए थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ जाने के लिए और फिर तैयार होकर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पर उसके पहले मैं चेहरे पे क्या क्या लगा रही हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का ही मेकअप करना है, गर्मी से ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहता, हैवी मेकअप नहीं करना है। बस मैंने चेहरे को साफ कर लिया है फेस वाश से, उसके बाद में यहाँ पे मैं एकदम हल्का सा मैंने एक ड्रॉप फेस सीरम लिया है, मैं इसको लगा लूँगी। और मैं सीरम नहीं लगाती, गर्मी भी बहुत है, पर मैंने चेहरा फेस वाश से नहीं धुला है, साबुन से धुला है, सच बताऊँ तो।
इसलिए साबुन से एकदम खींचा खींचा सा चेहरा रहता। अगर हम फेस सीरम लगा लेंगे तो इससे बहुत चेहरा एकदम स्मूथ हो जाता है। और इसके बाद में बस एक दो चीज़ें और लगाऊंगी, फ्रूट स्किन लगाऊंगी, तो उसको भी मैं ऐसे ही हल्का से लेके डैब डैब करके लगा लूँगी। और मेरा सारा सामान इधर उधर रख देती, वही मैं हाथ से बता रही थी साक्षी, सारा सामान मेरा इधर उधर कर देती। मैंने यहाँ पे फ्रूट स्किन भी लगा ली, इसको लगा के हम अच्छे से चेहरे पे, और फ्रूट स्किन को ज़रूर लगाना चाहिए, और लगा के अच्छे से चेहरे पे एकदम मसाज कर लेना चाहिए ताकि चेहरा एकदम हमारा क्लीन हो जाए। और अभी हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर में मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल, पर साक्षी बोल दी नहीं मम्मा है प्राइमर है, प्राइमर लगा लो, तो प्राइमर हम लगा लेंगे। और प्राइमर अगर आपके पास नहीं है तो आप, मैंने जो अभी दिखाया था एलोवेरा जेल, आप उसको लगा सकते। और ये मैं अभी हुडा का लगाने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। एक हुडा हमने यूज कर दिया है, लिया है, वो ख़त्म हो गया, और ये साक्षी ने दूसरा मंगाया। उसको लगाने के बाद में मैं ये एलेगिल का कंसीलर थोड़ा से आइस के नीचे लगाऊंगी, मेरे डार्क सर्कल हैं तो ये अच्छे से लग जाएंगे। और मैं ये ब्लेंडर ली हूँ, इसी के हेल्प से लगाऊंगी। उसके बाद में ये पाउडर है उसे मैं सेट कर लूँगी। बस यहाँ पे हमारा मेकअप कंप्लीट। और मैं आईब्रो पेंसिल लगा लूँगी, और लाइट भी चली गई थी बीच में तो इसीलिए सामान इधर उधर हो गया, और मैंने कंसीलर लगाया वो भी मिस हो गया, तो मैंने अंधेरे में उसको इधर उधर करके ऐसे लगा लिया। तो मैं अब ढूंढ रही हूँ आईब्रो पेंसिल, और मेरा एक जगह सामान नहीं रहता, डेली अगर लगाऊँ तो एक जगह रहे, कभी कदार लगाती हूँ तो इधर उधर हो जाता है। तो बस मैं ढूंढ रही हूँ, और छोटा सी ही है, अब मिलेगा अभी, पर जो है थोड़ा इधर उधर करके फिर मिलेगा, और लेट भी हो रहा था तो ये मिल गया। अब मैं इसी से आईब्रो पेंसिल से आईब्रो मैं अपनी फिल कर लूँगी। और है जो ब्रश से लगाते हैं वो भी है, पर वो मुझे पसंद नहीं है। अगर हैवी मेकअप करना है तो उससे मैं लगाऊँ, पर मुझे हैवी मेकअप तो करना नहीं है, मैं जैसा नॉर्मली करती हूँ बस इतना तो चलता है, और घर की पार्टी है तो बस इतना। और ये लैक्मिक मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, और इसके बाद में मैं ये सिंदूर लगा लूँगी और कपड़े पहनूंगी, बस मेरा मेकअप कंप्लीट। तो मैं लिपस्टिक यहाँ पे मैं अच्छे से लगाती हूँ, ये लिक्विड वाली है तो इधर उधर हो जाती है, तो हो जाता है, इसलिए इसको अच्छे से लगाना चाहिए, पर बच्चे हैं आ जाते हैं बोलने के लिए, तो यहाँ पे अभी ये भी आ जाएंगे। मैं ऊपर नीचे करके अच्छे से लगाना है, और जितना मैं चाहती हूँ मैं लिपस्टिक लगाऊँ, कोई ना आए ना कोई। अभी हार्दिक आया था, हार्दिक के पापा आ गए, अब ये भी बोलेंगे और मुझसे भी बुलवाएंगे, और मैं लिपस्टिक के डर की वजह से कि चोई इधर उधर हो जाएगा, मैं बोल नहीं रही हूँ, फिर भी ये बोल रहे हैं कि हाँ जल्दी करो, लेट हो रहा, टाइम देखो। और मैंने लिपस्टिक लगा ली, बस अब मैं रेडी हो गई साड़ी पहन। हम सभी लोग तैयार हो गए, तो अभी साक्षी बुलाई है, तो उन्हें साक्षी थोड़ा सा चेहरे से कुछ लगाएगी। तो हम सब लोग तैयार हो गए अभी, और ये भांजे का समय। तो यहाँ पे अभी सभी लोग डांस वगैरह कर रहे थे, पर हम लोग जा रहे हैं घर पे, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 12 बज रहे हैं,
हार्दिक का स्कूल भी है सुबह में। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।